दो से ढाई दशकों का समय था जब तक इस स्टेट को सांबा से कोई बड़ा मंत्री नहीं मिला था। उसके बाद देवेंद्र मनियाल को कैबिनेट में लाया जाता है और चार्ज जो मिलता है एक महत्वपूर्ण चार्ज है हेल्थ मिनिस्टर का चार्ज। हेल्थ मिनिस्टर का चार्ज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराने जो मंत्री रहे हैं बाली भगत, उनके कार्यकाल में हेल्थ की हालत जो थी वो कहीं ना कहीं दयनीय थी। इसीलिए सेंटर कार्यकारिणी ने यह फैसला किया कि देवेंद्र मनियाल को जो है हेल्थ मिनिस्टर लाया जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर लाने में एक बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि खुद एक पेशे से डॉक्टर हैं और बड़ी देर के बाद ऐसा देखा गया है। यूं हम सोशल मीडिया पे ही देखते थे कि दूसरे देशों में कि डॉक्टर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी एक डॉक्टर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र मनियाल। डॉक्टर साहब, बधाइयों का सिलसिला तो कल से ही चल रहा है, वो बात एक पुरानी हो चुकी है क्योंकि बहुत बड़ा कार्यभार जो है पार्टी ने आपको दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री का। क्योंकि अगर पानी बिजली की बात करें तो वो अगर ना भी आए तो चल सकता है, लेकिन अगर हेल्थ की सर्विसेज कहीं भी पीछे रहती हैं तो खतरा जो है जान का बनता है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं ये जो पदभार आपको मिला है हेल्थ मंत्रालय का? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। हेल्थ सर्विसेज जो हैं, हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि जो गरीब आदमी है वो जो है वो 100% डिपेंड है सरकारी जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आप रोज़मर्रा की हमारी जो लाइफ है, हमारे जो गरीब लोग हैं, ख़ास करके गांव का जो एरिया हमारा है, जो रूरल के जो हमारे लोग हैं, वो 100% जो डिपेंड हैं वो सिर्फ जो गवर्नमेंट का हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड है। मैं कुछ देर पहले कविंदर गुप्ता से बात कर रहा था तो उन्होंने भी एक चीज़ कही कि नई जो टीम आई है, आप लोग माने या ना माने, क्योंकि आप लोग कई बार कहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता थे, सबने काम किया है, लेकिन आपकी जो नई टीम आई है वो इसीलिए आई है कि पुरानी की इमेज कहीं ना कहीं दबा था, क्लीन इमेज के नए नेता आए हैं, सारे जो नेता हैं इसीलिए लाए गए हैं। पार्टी भी ये कहती है, पार्टी हाईकमान भी ये कहती है कि हमने क्लीन इमेज के नेता लाए हैं। तो क्लीन इमेज के नेता के तौर पर आप लोग आए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है कहीं ना कहीं हालत खस्ता ही खस्ता है, आप उसको कैसे सुधारने की कोशिश करेंगे? जी, हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि रूरल एरिया हमारे जो है, खासकर गांव में, रूरल एरिया में हालत थोड़ी सी मैं समझता हूँ अच्छी नहीं है। जो मेडिकल कॉलेज हैं हमारे, चाहे जम्मू में है, श्रीनगर में है, फिर भी ठीक है, काम चल रहा है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुआ है। पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हुए हैं। लेकिन अगर सरकार की बात करें, हेल्थ मिनिस्ट्री की या किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, टाइम लगता है अपनी प्रोग्रेस दिखाने में आपको। लेकिन अब मैं जो आने वाले 3 साल अगर उसकी बात करूं तो मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी, खास करके जो हमारा रूरल का जो सेटअप है हेल्थ का, वो थोड़ा बेटर हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली जो कमज़ोर स्ट्रक्चर है रूरल है हेल्थ का, उसकी वजह से जीएमसी में, चाहे वो जम्मू है, जीएमसी श्रीनगर है, उस पर लोड बढ़ता है। जब वहाँ उसकी कैपेसिटी से 10 टाइम लोड बढ़ेगा तो आप खुद समझते हैं इस बात को कि वो जो हालत है वो बिगड़नी है हेल्थ से, वो हालत ठीक नहीं हो सकती। इसलिए मैं समझता हूँ मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी, मेरे डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम उस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएं, उसको सशक्त बनाएं, जितना उन पर वर्कलोड है वो उसको संभालें, और हमें किसी पेशेंट को एक जो उसका सेंटर है उससे अगले सेंटर, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल तक ही उसका इलाज हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर टर्शरी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तभी वो जम्मू जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होता है तो जीएमसी पे लोड कम होगा, जीएमसी पे लोड कम होगा तो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं लॉजिकल लग रही है क्योंकि जीएमसी में लोड होता ही इसलिए है क्योंकि बाकी जगह से जो है पेशेंट्स को देखा नहीं जाता है, उनको सीधा रेफर किया जाता है जीएमसी। आप डॉक्टर भी रहे हैं, खुद सर्विस भी की है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है डॉक्टर का, आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे यूज़ करेंगे डिपार्टमेंट को जो है सुधारने में? देखिए, एक्सपीरियंस जैसे मैं अभी सांबा में मैंने नौकरी की है एज मेडिकल ऑफिसर, मैंने टीवी सेक्शन में 3 साल नौकरी की है, उसके बाद मैंने आर्थो में मैंने पीजी की है, और उसके बाद 3.5 साल का मुझे एज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का भी एक्सपीरियंस है। तो लगभग 17 ईयर्स मैंने आई हैव सर्व दिस डिपार्टमेंट। तो उसका जितना भी वो, क्योंकि मैंने ज़्यादातर सर्विस अपनी लगभग सारी सर्विस रूरल में की है, तो वो जितनी भी वहाँ एक सब सेंटर से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो मैंने देखी हैं, फेस भी की हैं, और इवन एज ए सिटीज़न मैंने मेडिकल कॉलेज में भी वहाँ प्रॉब्लम देखी हैं। तो मेरी कोशिश, जैसे मैंने पहले कहा, यही रहेगी कि जो मेन जो कारण है समस्या का जो हल है, मैं समझता हूँ वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके ही निकलेगा।
तीन साल का समय है, दो ढाई साल का समय है, 2019 के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बाद 2020 के इलेक्शन आएंगे, आप लोगों का भी टेस्ट होगा, उसके साथ साथ पार्टी का भी टेस्ट होगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि पार्टी क्या स्कोर कर रही है, क्योंकि अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है उसमें पार्टी 25 से 50% पे भी नहीं रुक रही है, और तकरीबन सीधे सीटें आधी हो चुकी हैं, क्योंकि प्रतिनिधि जो थे, जो मंत्री बने, वो लोगों से मिलते ही नहीं हैं। क्या रहेगा अगले ढाई साल के लिए आपका प्लान, क्योंकि लोगों को लेकर भी चलना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी देखनी है और उसके साथ साथ पूरी स्टेट भी देखनी। देखिए, एज एमएलए पिछले तीन साल तब भी मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया। आपकी जो टीम आई है, जैसे आप कह रहे हैं नई टीम आई है, नई टीम जो हमारी है, मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, मेहनती हैं, और मैं समझता हूँ एफिशिएंट भी हैं काम करने, जो उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है। मैं समझता हूँ कि मेरे सभी कुलीग हैं वो अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब रहेंगे। और आपकी बात बिल्कुल सही है, आने वाले समय जो ढाई साल का बचा है उसमें जो भी हमारी कारकर्दगी होगी उसी के ऊपर अगला इलेक्शन भी डिपेंड करेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके मीडिया के थ्रू जो हमारी पब्लिक है उनसे भी मैं ये आई अश्योर देम एवरी सिटीजन ऑफ जे एंड के स्टेट कि हमारी जो नई टीम है ये दिन रात मेहनत करेगी। और कहीं ना कहीं मुझे खुद भी लगता है कि अब जो समय है वो दिन रात 24/7 काम करने का ही समय है, और मैं आई अश्योर एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट कि हम लोग उनकी जो उन्होंने उम्मीदें लगाई हैं एज ए डॉक्टर, मैं अगर मुझे डिपार्टमेंट मिला है हेल्थ का, पार्टी ने मेरे पे विश्वास करके मुझे दिया है, बाकी भी मेरे साथियों को जो डिपार्टमेंट को दिया है, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा, और मैं समझता हूँ मेरे बाकी साथी भी मेहनत करेंगे, और आने वाले समय में मैं ये भी कहूँगा कि 50% नहीं 25 से हो सकता है हम ज़्यादा सीटें निकालेंगे, दैट आई कैन अश्योर यू। 24 घंटे काम करने की ज़रूरत है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सबसे लचर हालत में यही डिपार्टमेंट है। रोज़ नए किस्से सुनने को आते थे और हालत ये थी कि लोग अपनी जान से जान बचाने के लिए जीएमसी जाते थे, जान बच नहीं पाती थी, ये हालात थे जीएमसी के। लेकिन मंत्रालय बदला है, कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमांड ने जो अब फेरबदल किए हैं, क्योंकि दिल्ली की कोशिश सिर्फ सत्ता में आना ही नहीं, सत्ता को संभाल कर रखना भी है, तो कोशिश ये की होगी कि जो नए चेहरे लाए गए हैं इनसे जो है पार्टी की जो इमेज कहीं ना कहीं जम्मू में गिर रही थी उसको दोबारा से ऊपर बढ़ाया जाए, और उसके बाद जो टारगेट है 25+ में जाया जाए, क्योंकि 25 सीटें पिछली बार थी, तो इस बार कोशिश ये होगी कि कहीं ना कहीं 44 के आसपास पहुंचा जाए। गुरसिमरन सिंह, सांबा।